देश में कक्षा 1 से 12वीं तक के खोले गए 44 सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में प्रवेश का दौर जारी है। ऐसे बीच लोक शिक्षण संचालक ने 15 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश दिए हैं। लोक शिक्षण संचालक जितेंद्र शुक्ला से बातचीत की संवाददाता सत्या राजपूत ने। सर, ये जो इंग्लिश स्कूल जो संचालित किए जा रहे हैं, आवेदन कहीं प्रक्रिया शुरू हो गई है भर्ती के तो कहीं नहीं हुई है, तो ये किस तरह का इसका फॉर्मेट होगा, बच्चे कैसे प्रवेश लेंगे? देखिए, जो 40 उत्कृष्ट विद्यालय चालू किए जा रहे हैं जिसमें अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का माननीय मुख्यमंत्री जी का और शासन का निर्णय है, उस निर्णय के तहत 40 अलग अलग पूरे प्रदेश के 28 जिलों के 40 अलग अलग स्थानों पर ये विद्यालय संचालित किए जाएंगे और संभवतः 15 जुलाई से इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी प्रारंभ होगी। इन विद्यालयों को सोसाइटी के माध्यम से संचालित किया जाना है और सोसाइटी के अध्यक्ष स्थानीय कलेक्टर हैं। कलेक्टरों को हमने यहाँ से उनसे चर्चा अनुसार सेटअप अलग अलग स्कूलों का सैंक्शन किया है और यहाँ से मार्ग निर्देश भी गए हैं कलेक्टरों को कि किस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया बच्चों के एडमिशन के लिए अपनाई जानी चाहिए। अधोसंरचना को लेकर जो भर्ती प्रक्रिया है, क्या इसको कहाँ अप्लाई करना होगा, क्या इसके लिए? जी देखिए, दो चीजें आपने अधोसंरचना पूछा, तो अधोसंरचना के लिए जो राशि मांगी गई थी कलेक्टरों के द्वारा वो राशि शासन ने प्रदान कर दी है। कई जगहों पे कार्य प्रारंभ हो गए, चूंकि कोविड के कारण कुछ दिक्कतें हैं तो फिजिकल क्लासेस अभी प्रारंभ होने में मुझे नहीं लगता कि जुलाई में प्रारंभ हो पाएगा वर्तमान स्थितियों को देखते हुए। क्लासेस ऑनलाइन बड़ी क्लासेस के लिए चालू होंगी और जैसे स्थिति नॉर्मल होती है तब तक व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली जाएंगी और समय के साथ साथ चीजें बनती जाएंगी। थैंक यू। इस तरह ये तमाम व्यवस्था कर ली गई है, कुछ ही दिनों में ये इनकी पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन सोलाराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।